नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद अब बिहार के बक्सर में लगेगा भगवान राम की 1000 फीट ऊंची मूर्ति। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनने से राम भक्त काफी खुश है। राम भक्तों के लिए ऐसे में एक और बड़ी खुशखबरी है, बिहार के बक्सर में भी लगेगा भगवान राम की 1000 फीट ऊंची मूर्ति को लेकर अभी कवायद तेज हो गई है। भगवान श्री राम की ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। बक्सर सर्किट हाउस सभागार में रविवार की शाम प्रस्तावित भगवान श्री राम के प्रतिमा स्थापित करने से पहले मूर्ति मॉडल का डिस्प्ले किया गया। यहां महाराष्ट्र के रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अनिल राम सुतार ने मॉडल के एक एक भाग को सबके सामने बारीकी से रखा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ जिला प्रशासन, श्री राम कर्म भूमि न्यास और मूर्ति स्थापना के विशेषज्ञ मौजूद रहे। कुछ दिन पहले बक्सर के प्रमुख धार्मिक स्थानों का ड्रोन के माध्यम से जियोलॉजिकल मैपिंग सर्वे किया गया था। इसका पूरा प्रेजेंटेशन बैठक में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संयोजन में नवंबर 2022 में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बक्सर में बनवाने को लेकर घोषणा की गई थी। तेलंगाना से आए जियोलॉजिकल मैपिंग विशेषज्ञ जेएस रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि रामरेखा घाट के आसपास पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी संभावनाएं हैं। भगवान राम की प्रारंभिक रूपरेखा में मूर्ति रामरेखा घाट के आसपास लग सके, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। 3 मंजिला इमारत के ऊपर भगवान राम की मूर्ति पराक्रम रूप में उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाई और इसे सभी ने पसंद भी किया। और लाइट एंड साउंड वाली जगह को डेवलप कर वहां पे मूर्ति स्थापना को लेकर जिला प्रशासन के साथ प्रारंभिक चर्चा हुई। सभी विशेषज्ञों, जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रामरेखा घाट के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के प्रयास से लाइट एंड साउंड वाली जगह को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से डेवलप करने की प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम ने रामायण सेंटर, भगवान श्री राम के बाल लीला से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं पर फोकस कर प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसे तैयार कर लिया है। महर्षि विश्वामित्र और यज्ञ स्थली को बेहतर ढंग से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उनके किए गए विराट कार्यों को दिखाया गया, पूरे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया ताकि महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और अन्य ऋषि मुनियों भगवान से पहले उनके वामन अवतार का विराट स्वरूप जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।